प्रथम तहलका न्यूज। कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है, क्योंकि दान किया गया रक्त किसी जरूरतमंद इंसान की जान बचाने के काम आता है। तो वहीं आज यानी 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस भी है, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर सोमवार को रोहतक के पालिका बाजार में रक्तदान शिविर लगाया गया। मिल के ये प्रण लिया कि 365 दिन साल में है, 365 रक्तदान शिविर लगाएंगे, जो हमने 2014 में पूरा कर दिया। उसके बाद हमने 400 का टारगेट बनाया, 450 का टारगेट बनाया साल में, तो हमने पूरा किया वो। और सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की वजह से जो है ना, रक्त की कोई कमी नहीं है। जब भी रक्त की कोई कमी होती है, हम स्पेशल निवेदन करते हैं, सामाजिक संस्थाएं हमारे निवेदन को स्वीकार करके रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और रक्त की कमी को पूरा कर दिया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले एक साल से कोरोना काल के कारण जो है पूरा विश्व भयभीत है, और पूरे वर्ष में जो है लोग भय के कारण घरों से नहीं निकल रहे थे, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने, सामाजिक योद्धाओं ने इस क्षेत्र में कार्य किया और लोगों को घर से निकाल के हर रोज़ रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। और जैसे लगभग पिछले 10 से 12 साल से हम विश्व रक्तदाता दिवस को मनाते आ रहे हैं, और मैंने जब से होश संभाला है रक्तदान के क्षेत्र के अंदर हम कार्य करते आ रहे हैं। तो विशेषकर साल में दो दफ़ा, एक 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के दिन और एक महाशिवरात्रि जो मार्च या फरवरी माह में आती है, उस दिन हम रक्तदान शिविर का आयोजन पालिका बाजार एसोसिएशन द्वारा करते हैं। और आज विशेष रूप से रक्तदाता दिवस जो 14 जून 2021 रोहतक शहर की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी को सम्मानित करने का हमने, ये हमारा अभिप्राय इसलिए था कि इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं कार्य करें और रक्तदान के क्षेत्र में लोगों को अवेयर रखें, क्योंकि रोहतक में PGI मेडिकल है, हॉस्पिटल है और प्राइवेट अस्पताल भी हैं। यहाँ रक्त की लगभग 300 थैलियाँ रोज़ खपत है। इस शिविर में तकरीबन 100 लोगों ने रक्तदान किया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव देवेंद्र चहल ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए। हमारे सेक्रेटरी साहब ने यहां पर पालिका बाजार के अंदर जावन जी ने, प्रधान जी ने मिलकर के यहां रक्तदान शिविर लगाया है। तो मैंने सुबह जैसे ही फेसबुक पे देखा तो मैं फ़ौरन वहाँ से चला, घर से चला आया और अपने साथियों को, वकीलों को लेकर के पहुँचा हूँ, और मैंने भी इसके अंदर आज योगदान किया है। और जैसे भी आगे भी रहेगा मैं हमेशा इसके अंदर योगदान करता रहूँगा, क्योंकि आज के दिन के अंदर ब्लड जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल से जो कोरोना काल के अंदर ब्लड की कमी आती रही है। तो इस प्रकार से रोहतक के अंदर जो रेड क्रॉस है इसके अंदर बड़ा अच्छा योगदान दे रहा है और लगातार जो है ब्लड जो है देते आ रहे हैं। तो मैं उनका भी, मैंने लगभग 10 बार कर चुका हूँ। मैं लोगों से यही कहूँगा कि ये जो दान है एक महादान है। रक्त जो आप दान करोगे तो आपको इसका पुण्य बहुत मिलेगा, क्योंकि इससे जो है लोगों की जिंदगियां बचती हैं और जो देश के अंदर जो है इसका जो है अपना प्रचार भी होना चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौर में PGIMS में रक्त की भारी कमी हो गई थी और इसी कमी को पूरा करने के लिए ये शिविर लगाया गया है, जो कि अपने आप में ही एक सराहनीय काम है। इस दौरान यहाँ पर कोरोना के नियमों का भी पालन किया गया था। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।